पहले अमेरिका और ईरान का तनाव और अब कोरोना का कहर, इन दोनों ही वजहों से सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। लेकिन ना तो कोरोना का प्रकोप कम होता दिखाई दे रहा है और ना ही सोने के दाम कम होने को तैयार है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जीएसटी मिलाकर सोने के दाम जल्द 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर जाएंगे। सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। पहले ही अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड्स को लगातार ध्वस्त करने वाला सोना अब एक और नए मुकाम के करीब जाता नजर आ रहा है। करीब 2 महीने पहले अमेरिका ईरान के बीच पैदा हुए तनाव से सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। इस तनाव के दरमियान भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 के करीब पहुँच गयी। पाकिस्तान में तो सोना 1,00,000 रुपए तोले के पास पहुँच गया। इससे कयास लगाए जाने लगे कि भारत में सोना 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम हुआ तो कुछ दिन तक सोने चांदी की कीमतों में गिरावट भी देखी गई। लेकिन अब कोरोना वायरस की नई मुसीबत से भारत में सोना जीएसटी लगाकर 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर चुका है और अब अगर ये 45,000 तक पहुँच जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। दरअसल कोरोना के कहर के कारण सोने में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है, जिससे सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 साल के ऊंचे स्तर पर चला गया है। वहीं भारतीय बाजार में सोना अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब सोना 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ पाएगा। कोरोना वायरस की वजह से यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जिसकी वजह से सोने में ये तेजी आपको देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अभी यहाँ पर सोने के दाम आपको 45,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। बाहर का कॉमेक्स का भी गोल्ड देखिए तो वो भी इस समय $1,680 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि अभी हालात और खराब होंगे और जब हालात खराब होंगे तो ऐसे में सोने की चमक और बढ़ेगी। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो वहाँ सोना पिछले हफ्ते $1,651 प्रति औंस तक उछल गया। अब कोरोना की वजह से माना जा रहा है कि सोना आने वाले दिनों में $1,700 प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ सकता है। ऐसे में अगर भारतीय सर्राफा बाजार में भी सोना 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। कमोडिटी बाजार के जानकार भी सोने में शॉर्ट टर्म में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। जो अभी डर का माहौल है, इस वजह से इक्विटी मार्केट में आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन या कोई वायरस ऐसा फैलता है तो लोग सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं और अभी के जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से सोने में लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बड़े फंड हाउसेस जो हैं वो यहाँ पर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 44,011 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला गया, जबकि बगैर जीएसटी सोने का भाव 43,019 रुपए प्रति 10 ग्राम तक था। हालांकि घरेलू बाजार में सोने के दाम में आई हालिया तेजी के बाद इसकी डिमांड कमजोर पड़ गई, लेकिन शादी का सीजन जोर पकड़ने के साथ इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप की भारत यात्रा के एन पहले भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों को नए पंख लग गए हैं। जी हां, चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। खास बात यह है कि चीन के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत को इस व्यापार में ज्यादा फायदा मिल रहा है। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने का तमगा हासिल कर लिया है। ट्रंप का दौरा शुरू होने से ठीक पहले आई इस खबर ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों पर रोशनी डाल दी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच $87.95 अरब का व्यापार हुआ। इस दौरान भारत का चीन के साथ $87.07 अरब का व्यापार रहा। इसी तरह 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का अमेरिका के साथ व्यापार $68 अरब रहा, जबकि इस दौरान भारत और चीन का व्यापार $64.96 अरब रहा। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भी ये चलन बना रह सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक एक्सपर्ट का मानना है कि अगर दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार कदम एकदम अलग स्तर पर पहुंच सकता है। जानकारों का भी मानना है कि अमेरिका के साथ FTA भारत के लिए बेहद फायदेमंद होगा।
क्योंकि अमेरिका भारतीय माल और सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका के साथ भारत का आयात और निर्यात दोनों बढ़ रहा है, जबकि चीन के साथ आयात निर्यात दोनों में गिरावट आ रही है। भारत के लिए अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिसके साथ व्यापार संतुलन का झुकाव भारत के पक्ष में है। 2018-19 में भारत का चीन के साथ जहां 53.56 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा था, वहीं अमेरिका के साथ भारत को 16.85 अरब डॉलर का व्यापार मुनाफा हुआ था। 2013-14 से लेकर 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है। चीन से पहले यह दर्जा संयुक्त अरब अमीरात को हासिल था, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भारत को सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका मक्का और सोयाबीन जैसे जिंसों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर पलड़ा अमेरिका की तरफ झुकता है तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसे में इस FTA को अमली जामा पहनाने से पहले ये देखना जरूरी है कि किस तरह से भारत इस कदम का फायदा अपने पक्ष में व्यापार को और झुकाने के लिए करेगा। आज तक ब्यूरो।